लाइन ठीक करने गए बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर बिजली विभाग ने कर्मचारियों की नाराजगी जताते हुए एसपी को ज्ञापन सौंपा। घटना सिंता बलिता गांव की है। फीडर इंचार्ज रोहित गुर्जर ने बताया कि 16 जुलाई को बालिता गांव में लाइट बंद होने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद रोहित गुर्जर हेल्पर को लेकर मौके पर लाइन को ठीक करने के लिए पहुंचे। वह लाइन को चेक कर रहे थे, इसी दौरान गांव के कालू और उसके लड़के आए। आते ही उन्होंने लाठी और डंडों से रोहित पर हमला कर दिया। बदमाशों ने उनकी गाड़ी में भी तोड़फाड़ की, जिसके बाद रोहित और उनके साथियों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। इसके बाद उन्होंने घटना की जानकारी अधिकारियों को दी और कुन्हाड़ी थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया। रोहित गुर्जर ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है, जिसके चलते सभी कर्मचारियों में आक्रोश है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब बिजली कर्मचारियों के ऊपर हमला किया गया हो। कई बार इस तरह की वारदातें हो चुकी है। मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर विद्युत कर्मचारियों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द नहीं होती है और इसी तरह की वारदातें बार बार होती है तो कर्मचारियों आंदोलन की राह पर जाएंगे। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने, जिनका नाम कालू और उनके लड़के, मेरे पर जानलेवा हमला किया। मेरी गाड़ी स्विफ्ट डिजायर, जो उस पर कांच वांच तोड़े, मुझे मारने की कोशिश करी।